गवाना बलोचिस्तान की तब्दीली विफाक की सबाबदीद है। बलोचिस्तान में बेहतर मुस्तकबिल के लिए वज़ीर आज़म की तरफ से सूबे के नुमाइंदे को टास्क देना खुश आइंद है। कोयटा में सहाफियों से गुफ्तगू में वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल का कहना था कि सूबे और मुल्क का मफाद तरजीह है, हमें बड़े चैलेंजेस का सामना है। अपोजिशन के खिलाफ FIR को मुफाहमत की खातिर वापस लिया गया है। गवर्नर का जब भी इंतखाब होता है ये फेडरल गवर्नमेंट की एक अपना एक उनका एक डिसीजन है और हम हर चीज़ों में यकीनी तौर पे एक दूसरे के साथ सलाह मशवरे में आगे जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो डिसीजन किया है इसमें बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने डिस्कस भी किया है और एक्स गवर्नर, ये नहीं कि एक्स गवर्नर साहब की कोई ऐसी उन पर कोई तनकीद हो या कारकर्दगी ऐसी ना हो, लेकिन पोलिटिकल फेडरल गवर्नमेंट्स हों या प्रोविंशल गवर्नमेंट्स हों वो हर लिहाज से टाइम टू टाइम कोई ना कोई एक चेंजेस की तरफ चीज़ें जाती हैं। एक वाकया हुआ, उस वाकये की अपनी नौयत पे चाहे हमारी हुकूमत हो या कोई भी हुकूमत हो वो एक अपना एक तरीकेकार या अपना एक इन्वेस्टिगेशन और सारी चीज़ करती है और हमारा भी मकसद ये था कि कानून कोई अपने हाथ में ना ले। मेरा ख्याल उनको भी एहसास हो गया होगा इतने दिनों में ये जो सारा सिलसिला हमने किया इसका नतीजा बलूचिस्तान के किस फायदे में निकला। लेकिन वही वक्त अगर वो असेंबली के अंदर, अभी भी आज असेंबली है, उस दिन भी असेंबली हुई थी, अपोजिशन वाले अरकान आए, उन्होंने बातचीत की, बजट पर तनकीद किया, मुझ पर किया, आप पे किया, सब पे किया। देखिए मैं पहले दिन से भी यही चाह रहा था कि आप इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल हर हवाले से हर मकसद के लिए करें, वो है आपके प्रोविंशियल असेंबली के अंदर का प्लेटफॉर्म।